नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका कैजुअल सी 60 हिंदी पे। मैं हूं आपका दोस्त आदित्य नाझा और यह सैमसंग का सबसे लेटेस्ट स्मार्टफोन सैमसंग का गैलेक्सी S21 FE 5G। आज हम करने वाले हैं इसकी एक जबरदस्त अनबॉक्सिंग और आपको बताएंगे इसके बारे में सब कुछ, तो अंत तक टिके रहिए। तो दोस्तों, जो सैमसंग का गैलेक्सी S20 FE था वो एक बहुत ही बड़ा सक्सेस था कंपनी के लिए और रीसेंट रिपोर्ट के अनुसार सैमसंग ने 10 मिलियन यूनिट से ज्यादा उसके बेचे थे ग्लोबली। सैमसंग तो डेफिनेटली यार इस चीज को कंटिन्यू करना चाहेगा। तो इसका भी एक नया वर्जन आया है S21 FE 5G, जो कि ऑलमोस्ट वही सेम फॉर्मूले को फॉलो करता है पिछली बारी की तरह। आइए अब जरा अनबॉक्सिंग प्रोसेस को शुरू करते हैं। पैकेजिंग जो है बहुत हद तक मिनिमलिस्टिक है। आपको एक प्लेन स्लिम व्हाइट बॉक्स मिलता है, इसपे सिंबल्स बने हुए हैं कैमरा ऐप के ऊपर, और अंदर आपको मिल रहा है सबसे पहली चीज ये जो फोन है प्लास्टिक रैपिंग के अंदर, और ग्रेफाइट कलर में हमारे पास ये फोन। इसको साइड में रख के हम देखते हैं अंदर और क्या क्या है। आपको अंदर मिल रहा है यहाँ पे सिम इजेक्टर टूल, आपको इसके अलावा एक पेपर स्लीव मिल रहा है जिसके अंदर USB टाइप सी टू टाइप सी केबल है, और अंदर वारंटी कार्ड, इंस्ट्रक्शन पैम्पलेट और ये सब अंदर दे रखा है। अब हंसी की बात यह है कि भैया एकदम फ्लैगशिप के ही तरीके से इन लोगों ने यहाँ पे चार्जर इंक्लूड नहीं किया है बॉक्स के अंदर, जो कि पहले जो FE एडिशन के फोन्स होते थे उनमें सब में इंक्लूडेड होता था। अब इसके बाद हम लोगों ने किया सेटअप प्रोसेस। अब गैलेक्सी S20 FE 5G के मुकाबले S21 FE 5G में उतना ज्यादा कुछ बदलाव नहीं है। पुराना जो फोन था वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा फीचर पैक था। ये जो फोन है ये आता है 6.4 इंच की फुल HD प्लस डायनेमिक एमोलेड 2X डिस्प्ले के साथ। ये जो डिस्प्ले है ये 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है, जिसको आप डिसेबल भी कर सकते हैं अगर आपको ज्यादा बैटरी लाइफ चाहिए। और ओवरऑल जो बिल्ड डिजाइन है वो स्टिल प्लास्टिक की है, बट जो डिस्प्ले है उस पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स की प्रोटेक्शन है ताकि आपको ज्यादा अच्छी स्क्रैच प्रोटेक्शन मिल सके। बॉटम पे यहाँ पे आपको टाइप सी पोर्ट मिलता है, यहाँ पे आपको सिर्फ डुअल नैनो सिम मिल रहा है, हाइब्रिड स्लॉट नहीं है जैसा कि आपको S20 FE 5G में मिलता था। यहाँ पे आपको एक इन डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल रहा है, और ये जो फोन है कि ये लेवेंडर, ऑलिव, व्हाइट और ग्रेफाइट रंगों में उपलब्ध होगा। राइट हैंड साइड पे पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर है, और जो मेटलिक फ्रेम है इस फोन का वो काफी हद तक स्टर्डी फील होता है। जो S21 FE 5G है काफी हद तक पतला है 7.9 मिलीमीटर में, और हल्का भी है 177 ग्राम्स पे, और ये S20 FE 5G से काफी हद तक हल्का है क्योंकि वो 190 ग्राम्स का फोन था। बैक पे जो भाई कैमरा बम्प है ना वो अलग है क्योंकि वो बड़ा डिजाइन चेंज है यहाँ पे, जो S21 सीरीज को एकदम मिमिक करता है, और यहाँ पे कोई हेडफोन जैक नहीं दे रखा है तो वो थोड़ा कई लोगों को दुखी करेगा। जो यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर है वो काफी हद तक बढ़िया है, और 120 हर्ट्ज डिस्प्ले तो चीजों को और बेहतर कर देती है। जो भारतीय यूनिट है इस फोन का वो Exynos 2100 चिपसेट के साथ आएगा, जो कि 5 नैनोमीटर पे बेस्ड है। ये एक फ्लैगशिप एसओसी है, कई लोग डिसअपॉइंटेड थे कि स्नैपड्रैगन 888 नहीं आ रहा है यहाँ पे। अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो S21 FE 5G आता है One UI 4 के साथ, जो कि Android 12 पे बेस्ड है। नए वर्जन में कुछ कुछ डिजाइन चेंजेस है इंटरफेस में, मेन्यू में, पर ओवरऑल ये अभी भी फेमिलियर लगता है। कई सारे फीचर्स जो S20 FE 5G में थे वो S21 FE 5G में भी आ गए, जैसे यहाँ पे IP68 रेटिंग है डस्ट और वाटर रेजिस्टेंस के लिए, सैमसंग पे है NFC के साथ, वायरलेस डेक्स मोड यहाँ पे दे रखा है, 4500 mAh की यहाँ पे बैटरी है 25 वॉट की फास्ट वायर्ड चार्जिंग के सपोर्ट के साथ, और 15 वॉट की फास्ट वायरलेस चार्जिंग और रिवर्स वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट के साथ। जो S21 FE 5G है ये 3 कैमरास के साथ आता है बैक में, जो कि सेम रेजोल्यूशन है जिनकी S20 FE 5G, जैसे 12 मेगापिक्सल का प्राइमरी, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और एक 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो सेंसर है यहाँ पे 3x ऑप्टिकल जूम के साथ। अब भाई यहाँ पे बहुत सारी टेस्टिंग मेरे हिसाब से करनी बाकी है रिव्यू टीम को हमारी, पर अभी तक तो कैमरा काफी हद तक सही लग रहा है। पहली दृष्टि पे तो भाई S21 FE 5G जो है वो कोई उतना बड़ा अपग्रेड नहीं लगता अपने प्रेडेसेसर के मुकाबले, पर अभी ऐसा लग रहा है कि जो बड़ा चेंज है यहाँ पे वो डिजाइन और SOC के मामले में है। अब भाई क्योंकि हमने इसको शूट किया था ऑफिशियल अनाउंसमेंट से पहले, तो हमें ये नहीं पता कि फाइनल जो प्राइसिंग होगी वो कैसी होगी। इसकी प्राइसिंग को हम नीचे डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर देंगे, और ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए गैजेट C60 हिंदी को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में।